हेलो गाइस, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज का रिव्यू है होंडा एलिवेट को लेकर के, और यहाँ पर अपने पास ये जो वेरिएंट है ये है अपना टॉप नॉच वेरिएंट, इसका टॉप मॉडल ZX ऑटोमेटिक में मैनुअल का भी ऑप्शन है। अभी अब बात करेंगे इसके एक्सटीरियर इंटीरियर के बारे में, किस प्राइस पॉइंट का आपको ये मिलता है। तो जहाँ पर सभी कंपनियों के पास अपनी SUV थी, होंडा बहुत समय से जो है आपको एक ही SUV दे रही थी, वो थी इसकी WRV। अब यहाँ पर कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा था और इस कंपटीशन में होंडा भी एंटर कर चुकी है अपनी एलिवेट के साथ। बात करेंगे इसके सभी चीज़ों के बारे में, कितनी वर्थ इट है, कितना क्या है। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके एक्सटीरियर में। यहाँ पर अब इसको इस तरीके की आपको क्रोम हाइलाइटेड ग्रिल मिल जाती है, साथ में यहाँ पर नीचे आपको मिलेगा थोड़ा सा इस तरीके का टेक्स्चर, बीच में अपना प्रीमियम सा लोगो मिलता है आपको महिंद्रा का, महिंद्रा बोल गया मैं, ये अपना होंडा का। और नीचे में यहाँ पर कुछ इस तरीके का क्रोम आपको रहने वाला है। इधर में भी यहाँ पर इस तरीके का डिज़ाइन आपको मिलेगा। LED में इसके DRL मिलेंगे, कुछ इस तरीके के आपको मिलने वाला है इसके हेडलाइट, जो कि आपको मिलेगी LED में ही। और यहाँ नीचे में आपको फॉग लैम्प कुछ इस तरीके का, जो भी आप वो भी आपको LED में रहेगा। साथ में थोड़ा सा ये क्रोम आपको मिलने वाला है। तो ये कुछ फ्रंट का ग्रिल इसका रहने वाला है। बोनट लेआउट की बात करें तो स्लीक डिज़ाइन आपको मिलता है। ऊपर में आपको यहाँ पर इस तरीके के आपको दो वाइपर और मिलेंगे साथ में वॉशर। साइड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से क्रोम के साथ मिलने वाली है एलिवेट की बैजिंग। बॉडी कलर आपको मिलने वाला है इसमें ORVM, साथ में थोड़ा सा क्रोम। और इधर में आपको मिलेगा इस तरीके का टर्न इंडिकेटर आपको मिलने वाला है ORVM पे। क्रोम में आपको डोर हैंडल मिल जाएंगे। ड्राइवर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा। और यहाँ पर देखेंगे तो वी पिलर आपको मैट, और इधर में भी आपको टोटल गार्निश मिलेगी क्रोम की। तो कुछ साइड में कुछ इस तरीके का अपनाने वाला है। सनरूफ की बात कीजिएगा तो वो आपको WRV में मिलती थी, यहाँ पर इसमें भी आपको मिल रही है। इधर में आपको उसको सनरूफ मिल जाती है, कुछ इस तरीके की सिल्वर रूफ लेल आपको मिलेगी इसमें। एक शार्पनिंग एंटीना भी आपको यहाँ पर इस तरीके का मिल जाता है। और यहाँ पर ये कॉर्नर में आप देखेंगे सी फ्लोर पर कुछ इस तरीके का ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ पर ये क्रोम, साथ में ये ब्लैक टेक्स्चर यहाँ पर मिलेगा। और डोर्स पर अगर हम देखेंगे तो इस पर भी हल्की सी क्लैडिंग आपको मिलने वाली है, साथ में यहाँ पर व्हील आर्च पे भी आपको काफ़ी थिक क्लैडिंग मिलेगी। ये कुछ साइड प्रोफाइल है इसका। इधर में बात करेंगे हम तो डुअल टोन आपको रहने वाला है इसका अलॉय व्हील, जो कि आपको मिलने वाला है कुछ इस तरीके का मशीन कट, आपको अच्छा सा प्रीमियम सा लुक देता है। यहाँ पर भी आपको होंडा का लोगो आपको इस तरीके से मिलने वाला है 5 लगनर्स के साथ। आगे आपको इस तरीके के कॉइल सस्पेंशन मिल जाते हैं इसमें। टायर की साइज की बात अगर मैं करूँ तो ये आपको रहने वाला है 17 इंचज का। टोटल आपको टायर रेशियो जो है 215/55/17, तो कुछ इस तरीके का आपको इसमें मिलेगा टायर, ब्रिजस्टोन का टायर आपको इसमें मिल जाता। अभी बात करते हैं इसके रियर में। रियर में हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्पॉइलर आपको मिलने वाला है, साथ में यहाँ पर आपको मिलेगा हाई माउंट स्टॉप लैम्प, डिफॉगर आपका, इधर में आपका वाइपर। और यहाँ भी टोटल आपको इस तरीके की कनेक्टिंग में आपको क्रोम और इस तरीके का कनेक्टिंग आपको इसका टेल लाइट यूनिट, जो कि अब LED में आपको मिलेगा। और एयर में भी आपको यहाँ पर होंडा का लोगो मिल जाएगा। साथ में ये रिवर्स कैमरा, यहाँ पर IVTEC की बैजिंग आपको मिलेगी, और इधर में आपको मिलेगी एलिवेट की बैजिंग। और नीचे आपको इस तरीके के रिफ्लेक्टर और साथ में 4 पार्किंग सेंसर आपको मिलेंगे रिवर्स में। और यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैट आपको मिलने वाला है, इसका प्लेट काफ़ी ठीक ठाक सा इसका लुक है रियर प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो। और इधर में मिलता है इसके 40 लीटर का फ्यूल टैंक आपको पेट्रोल में, तो यहाँ से आप फिल करेंगे फ्यूल। तो लुक्स काफ़ी इसके अपने आप में अच्छे हैं। तो गाइस की बात की जाए तो कुछ इस तरीके की आपको मिलने वाली है, सिंपल लॉक अनलॉक, और इधर से अपना होल्ड करेंगे तो बूट ओपन करने के लिए। ये पहले भी आ रही थी होंडा की गाड़ियों के साथ, होंडा सिटी के साथ भी आपको इस तरीके की मिलती है, बट आपको दोनों ही रिमोट सेंसिंग की मिल जाएंगी, तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर। और अभी बात कर लें, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कार्स की नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलती रहे। तो अभी बात करते हैं इसके, चलो पहले इसके बात करते हैं इसके बूट की। तो इधर में यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको रहने वाला है इसका बूट स्पेस, जो कि अराउंड आपको 448 लीटर का आपको मिल जाता है। इधर में आपको यहाँ पर लैम्प भी मिल जाएगा, और इधर में आपको कुछ इस तरीके का मैनुअली पार्सल ट्रे एडजस्टेबल आपको मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा डीप है, बस आपको थोड़ा सा लगेज में रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इधर में आपको मिलेगा इसका स्पेयर व्हील, साथ में अपना ये किट वगैरह, और ये आपको यहाँ पर इस तरीके से हैंडल लीड मिलने वाला है इसके। तो अभी बात करते हैं इसके पैसेंजर सीट की, रियर में देखते हैं कैसे क्या सीटिंग है अपना इसका।
तो यहाँ पर हम बात करेंगे टैन और ब्लैक कलर का आपको इंटीरियर रहने वाला है। इधर में यहाँ पर सबसे पहले तो इस तरीके का आपको मिलने वाला है डोर पैटर्न। यहाँ पर सॉफ्ट टच आपको मिलेगा, इधर भी सॉफ्ट टच मिलेगा। अपना पावर विंडो स्विच, दो बोतल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट और इधर में अपना ट्विटर की प्लेसमेंट, तो काफ़ी ठीक ठाक प्रीमियम सा आपको रहने वाला है। इसका जो डोर पैनल है काफ़ी लुक्स में अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बात करेंगे फैब्रिक की, तो ये आपको रहने वाला है लेदर सीट पुष्टि यहाँ पे मिलेगी। इसमें थ्री पॉइंट आपको सीट बेल्ट मिल जाना है और आपको एक आर्म रेस्ट, साथ में दो कप होल्डर मिल जाएंगे, दो एडजस्टेबल इस तरीके के आपको हेडरेस्ट मिल जाएंगे। तो ये कुछ अंदर का इसका रहने वाला है रियर सीट्स का। अभी बैठ के देखते हैं कैसा क्या कम्फर्ट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अभी ये सीट तो काफ़ी आगे हो रही है, चलिए इसकी बात नहीं करता मैं अभी। वैसे अगर देखा जाए इधर में आके तो यहाँ पर आपको ठीक ठाक नी रूम इसमें मिल जाता है, लेग रूम भी आपको ठीक अमाउंट में मिलने वाला है यहाँ पर। और इधर में हम देखेंगे थाई सपोर्ट, तो वो भी आपको काफ़ी ठीक मिल जाता है। हेड रूम भी ठीक ठाक आपको मिलने वाला है। इधर में आपको दो ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, साथ में इस तरीके का हैंगर, और यहाँ पर भी आपको ग्रैब हैंडल। बीच में हम देखेंगे तो यहाँ पर एक येलो LED में आपको एक रीडिंग लाइट मिल जाती है। और इधर में अपना ये सनरूफ वगैरह और एयर पैसेंजर के लिए आपको मिलेंगे। सीट्स पर आपको मैगजीन होल्डर मिल जाएगा और यहाँ पर आपको एसी वेंट मिल जाएंगे, यहाँ से अपना फ्लो कम ज़्यादा। और यहाँ फ्लोर की बात करूँ थोड़ा सा आपको इसमें हार्म मिलेगा, तो काफ़ी ठीक ठाक आपको रहने वाली है रेयर की सीटिंग। यहाँ पर हम देखेंगे तो तीन लोगों की प्रॉपर सीटिंग आपको मिल जाएगी, गाड़ी काफ़ी चौड़ी है। यहाँ पर बस थोड़ा सा बीच में जो बैठेगा उसको थोड़ी दिक्कत होगी, यहाँ पर थोड़ा सा ये हम सीट में भी आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर वैसे कंफर्टेबली तो आप जो है कंफर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर प्रॉपर दो लोग ही बैठ सकते हैं, बीच में अगर आप एक चिल्ड्रन चाहें तो बैठा सकते हैं, कुछ ऐसा है रियर का इसमें। अभी बात करते हैं इसके कोडर साइड, तो इधर में भी आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा और साथ में यहाँ पर देखेंगे डोर पैनल, तो वो भी आपको रहने वाला है कुछ इस तरीके का। यहाँ पर सॉफ्ट टच वगैरह, अपना पावर विंडो का स्विच, बोतल होल्डर, नीचे में स्पीकर। और यहाँ पर सीट के एडजस्टमेंट की बात की जाए तो ये आपको रिक्लाइन और यहाँ से रीच, दो ही ऑप्शन आपको मिलेंगे इसमें मैनुअली। तो कुछ इस तरीके की सीटिंग यहाँ पर रहने वाली है आपको। और इसमें सेफ्टी की बात की जाए तो 6 एयरबैग आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे इसका ग्लो बॉक्स, तो वो भी आपको ठीक ठाक साइज का यहाँ पर मिल जाता है डिस्टेंट सा। इधर में भी आपको थोड़ा सा सॉफ्ट टच और ये थोड़ा सा आपको वुडन टेक्सचर इसमें मिलेगा। अभी चलते हैं ड्राइवर साइड, और यहाँ पर अभी हम बात करते हैं ड्राइवर साइड डोर पैनल की, तो इधर भी सेम पैटर्न आपको रहने वाला है, सॉफ्ट टच अपना यहाँ पर, बोतल होल्डर वगैरह, पावर विंडो का स्विच, ऑटो अप डाउन मिलेगा ड्राइवर साइड आपको, और ये अपना चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ORVM के कंट्रोल वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर हम देखें तो 6 आपको मैनुअली एडजस्टेबल सीट मिल जाएगी और रिक्लाइन अपना हाइट के लिए और एकदम अपना रीच के लिए। तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है आपको ड्राइवर साइड में। अभी करते हैं अंदर बैठ के बात, तो यहाँ पर हम देखेंगे अंदर में इसका फ्रंट कैबिन कुछ इस तरीके का रहने वाला है। यहाँ पर आपको 10.2 इंच का टच स्क्रीन मिल जाता है, साथ में ये एसी के वेंट अपने, और इधर में अपना हैजार्ड का स्विच, और यहाँ पर अपना ये स्विच वगैरह मिल जाते हैं। ये बीच में अपना अपना टच मिल जाता है, एसी का पैनल भी, और कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर मैट ग्लास में आपको मिलेगा इस तरीके का टेक्सचर, और ये टोटल अपना सॉफ्ट टच। यहाँ भी आपको बहुत सारे इस पे MID पे सॉरी अपना ये टच पे आपको बहुत सारे बटन्स मिल जाते हैं। इसको भी देखते हैं ऑन करके, इधर में आपको 6 गेयर ऑन करके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है, साथ में यहाँ पर हम देखेंगे तो दो कप होल्डर, इधर में अपना वायरलेस चार्जर, 12 वोल्ट का आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, इधर में USB के पोर्ट। और यहाँ पर हम देखेंगे तो इस तरीके का थोड़ा सा स्पेस सेंटर कंसोल में, पावर रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव स्पोर्ट, इस तरीके का मोड आपको यहाँ पर मिलेंगे। इधर में अपना आर्म रेस्ट, इसमें भी आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, और ये अपना स्लाइडिंग नहीं होता, स्लाइड होता तो थोड़ा सा कन्वीनियंट और हो जाता है। ऊपर में यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का मैनुअली एडजस्टेबल और यहाँ से अपना इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल आपको मिलेगा। इसका सनरूफ ठीक ठाक अमाउंट का आपको सनरूफ मिल रहा है इसमें, सर बहुत ही यूज नहीं मिलने वाला। इधर में अपना मिलेगा आपको लाइट के साथ वेंटी मीटर को ड्राइवर साइड, और यहाँ ड्राइवर साइड भी देखेंगे तो इधर भी आपको मिलेगा को वेंटी मीटर, बट यहाँ लाइट आई थिंक होगी बट काम नहीं कर रही है, चलिए खैर छोड़िए। और यहाँ पर एक अच्छी चीज़ जो मिली है वो ये कि दोनों ही साइड में आपको ग्रैब हैंडल मिल रहे हैं, तो ये भी अच्छा, ये बहुत टाइम बाद देखा मैंने।
और यहाँ पर देखेंगे तो डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का रहने वाला है। इधर में आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा, बीच में आपको इस तरीके का प्रीमियम सम लोगो मिल जाना है होंडा का। इधर में आपको कंट्रोल मिल जाएंगे वॉल्यूम वगैरह के, कॉल वगैरह काटने के, और साथ में यहाँ पर क्रूज वगैरह के। और नीचे में हम देखेंगे अपना स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो ये आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही फीचर्स के साथ मिल जाता है। इधर में आपको मिलेंगे आपके वाइपर, और साथ में इधर में आपको मिलेगा हेडलाइट के लिए, और ये भी आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट मिल जाते हैं इसमें आपको। और यहाँ पर अपना इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच, और ये कुछ साइड में इस तरीके की एसी वेंट, और यहाँ पर ये ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए, और साथ में ये अपना लाइट का लेवलर। तो ये कुछ रहने वाला है इसका जी अंदर का हाल चाल। तो यहाँ पर बात करते हैं इसके अपना टच स्क्रीन की, जो आपको 10.2 इंचेस का मिलने वाला है। इधर में हम देखेंगे यहाँ पर तो ये इसका सेटिंग वगैरह, डिवाइस यूएसबी कनेक्ट, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं चीज़ों को चेंज। इधर में अपना ये एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, आपको वायरलेस मिल जाता है इधर में। यहाँ पर क्या क्या है भाई, खुल जा, चलो नहीं खुल रहा भाई, चलो छोड़ो इसको। तो ये कुछ इसका अपना रहने वाला है सारी चीज़ों के लिए। टच रिस्पॉन्स वगैरह काफ़ी ठीक ठाक आपको इसमें मिलने वाला है, नेविगेशन वगैरह के लिए, नहीं ब्लूटूथ वगैरह के लिए, कनेक्शन के लिए ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे बात करेंगे इसकी क्लस्टर की, तो फुल्ली डिजिटल आपको रहने वाला है। इधर में अपना ये स्पीडोमीटर और ये टेकोमीटर, बीच में अपना MID, टोटल आपको फुल्ली डिजिटल रहने वाला है। नीचे में अपना फ्यूल गेज वगैरह आपको मिलेगा, इसमें TPMS भी आपको मिल जाता है। यहाँ से कुछ अपना आप कर लेंगे इसके मूड्स वगैरह चेंज, तो ये कुछ रहने वाला है इसका अपना। ये अब यहाँ से इस तरीके से आप इसको सोर्स वगैरह ये सब चीज़ें, तो इसमें आपको टोटल 8 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, 4 स्पीकर और 4 ट्विटर। तो साउंड क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी इसमें मिलने वाली है। यहाँ पर हम देखेंगे और चीज़ें, तो ये अपना कुछ इस तरीके का रहने वाला है। यहाँ पर इस तरीके का आपको मिलेगा क्लस्टर, और यहाँ से अपना सेटिंग कस्टमाइज, डिस्प्ले भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, सेफ्टी स्पोर्ट्स जी मीटर, स्पीड टाइम, रेंज, फ्यूल, टेकोमीटर, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं अपना। काफ़ी ठीक ठाक काम कर रहा है ये भी। अभी बात करते हैं इसके सनरूफ की, कुछ इस तरीके का आपको ये यहाँ पर खुलने वाला है, काफ़ी ठीक ठाक अमाउंट में आपको खुल जाता है। इससे बाहर भागने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपको बाहर का अच्छा जो वेदर होगा उसकी कूलिंग आपको करने के लिए ये सनरूफ होता है। ये नहीं कि आप यहाँ से खड़े हो जाए और ताता था ये करने लगे। तो इस तरीके से अपना यहाँ पर हो गया क्लोज। तो गाइज यहाँ पर बात करते हैं इसके इंजन बे की। अपने आ गया हम बाहर गाड़ी से, और यहाँ पर हम देखेंगे इसका इंजन बे, तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है। आपको 4 सिलेंडर 4 इन लाइन के साथ आपको ये CVT ट्रांसमिशन के साथ मिलने वाला है ऑटोमेटिक में। और इधर में अपना देखेंगे यहाँ पर अपना इस तरीके का बैटरी का प्लेसमेंट, फ्यूज वगैरह, ब्रेक कॉइल वगैरह। यहाँ पर अपना ये अपना रहेगा आपका, अब क्या है यार, वो अपना मोबाइल वगैरह फिल करने के लिए सर्विस के थ्रू। और यहाँ पर हम देखेंगे रेडिएटर वगैरह। तो अगर पावर की बात की जाए यहाँ पर, तो ये आपको देता है 119 BHP और साथ में 140 Nm का टॉर्क। ये इंजन आपको ठीक ठाक सा यहाँ पर प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर इन्हें पूरी देखेंगे तो अच्छे से आपको कुशनिंग वगैरह यहाँ पर मिल जाती है ठीक ठाक से, ताकि इंजन आपको नॉइस वगैरह ना मिले। इंजन में आपको नीचे में आपको इंजन गार्ड भी मिल रहा है यहाँ पर होंडा की तरफ से, तो ये आपको स्लच वगैरह से बचाता है। तो काफ़ी ठीक ठाक आपको स्पेशियस सा इंजन भी यहाँ पर मिलता है। अभी बात करते हैं इसके प्राइस की, तो ये आपको 18,29,000 रुपये का ऑन रोड रहने वाला है यूपी के अंदर। और सेफ्टी की और बात कर ली जाए तो यहाँ पर इसमें आपको ABS, EBD, ESP और आपको TPMS जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है आपको, हिल होल्ड कंट्रोल भी मिल जाता है आपको, तो सेफ्टी के हिसाब से भी काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और इधर में हम एक लास्ट चीज़ जो बताना भूल गया, सबसे सेगमेंट में सबसे बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें आपको मिलने वाला है 220 mm का। काफ़ी बड़ा आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, कहीं भी आप ले जा सकते हो अकॉर्डिंग टू इसके पावर के हिसाब से। ये नहीं कि आपकी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा, तो आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, लेकिन ये जितना आपको पावर देती है उस हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर होंडा इसके साथ कितना आगे निकल पाती है।
तो गाइज ये थी अपनी होंडा एलिवेट ZX टॉप मॉडल ऑटोमेटिक में। अभी करते हैं वीडियो क्लोज। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। कुछ छूट गया हो तो उसके लिए।